नमस्कार, मैं वानी। लॉकडाउन से लेकर अब तक सभी स्कूल और कॉलेज बंद हैं। ऐसे में सरकार की तरफ से कई सारे फैसले लिए जा रहे हैं। कोरोना के चलते बंद स्कूल की वजह से छात्रों को काफी उनकी पढ़ाई के लिए दिक्कतें हो रही हैं। सरकार द्वारा स्कूल और कॉलेज खोलने को लेकर कई तरीके फैसले लिए हैं। मिली जानकारी के मुताबिक UGC ने देश के सभी कॉलेजों को आदेश दिया है कि वो सितंबर के अंत तक फाइनल ईयर का एग्जाम करा सकते हैं। इसी को देखते हुए गाइडलाइंस भी जारी कर दी गई है। फिलहाल स्कूल बंद रहेंगे और सभी प्रोसेस ऑनलाइन द्वारा ही किया जाएगा। कोरोना संकट खत्म होते ही सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। दिल्ली विश्वविद्यालय में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज दाखिला सहित अन्य मामले को लेकर सोमवार को स्थायी समिति की बैठक हुई, जिसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में शामिल सदस्य ने बताया कि सितंबर अंत तक दाखिला प्रक्रिया शुरू होने की संभावना है। ज्ञात हो कि इससे पहले 15 सितंबर के बाद दाखिला की शुरुआत कही जा रही थी। DU ने 1 अगस्त से 31 अगस्त तक आवेदन फॉर्म भी एडिट करने का विकल्प दे दिया है। हालांकि छात्र इसमें कुछ प्रमुख कॉलम भी एडिट कर पाएंगे। ECA दाखिला केवल सर्टिफिकेट के आधार पर किए जाने वाला निर्णय का विरोध भी किया है और इस आधार की कमियों को बताते हुए अपनी असहमति भी दर्ज कराई है। उन्होंने कहा है कि प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए जाएंगे, उनकी वैधता कैसे जांची जाएगी, इसके अलावा कई बिंदुओं पर उन्होंने सवाल उठाए हैं। समिति ने कहा है कि ECA दाखिला के लिए 1 मई 2017 से 30 अप्रैल 2020 के बीच का प्रमाण पत्र अवश्य होगा। इसके बाद प्रमाण पत्र स्वीकार्य नहीं होगा। पहले ECA सर्टिफिकेट के लिए 25 अंक निर्धारित थे और ट्रायल के लिए 75 अंक निर्धारित हैं। इसी से पूर्णांक बनाकर मेरिट निकाली जाएगी, लेकिन अब केवल प्रमाण पत्र के आधार पर ही दाखिला होगा। ECA में आवेदनकर्ता छात्र को प्रमाण पत्रों को स्वप्रमाणित करके अपलोड करना होगा। छात्र अधिकतम 5 सर्टिफिकेट अपलोड कर सकता है, जिसमें उसके प्रमुख 3 सर्टिफिकेट शामिल होंगे। DU के नियमानुसार सहभागिता या प्रतियोगिता में पुरस्कार के लिए 44 अंक, परिशिक्षण व परीक्षा के लिए 28 अंक, कार्यशाला के लिए 16 अंक तथा प्रदर्शन प्रदर्शनी की प्रस्तुति के लिए 12 अंक चाहिए होगा। नहीं होगा कोई ट्रायल, वाद विवाद प्रतियोगिता, नृत्य सहित तमाम विधाओं में इस बार ट्रायल नहीं होगा, केवल प्रमाण पत्र के आधार पर दाखिला होगा। हालांकि DU ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि स्तर का प्रमाण पत्र मान्य होगा, क्योंकि इससे प्रमाण पत्र के बाद भी छात्र को ट्रायल देना होता था। उसके बाद 3 चरण की प्रक्रियाएं के बाद उसका अंतिम चयन होता था। धन्यवाद।